गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर रिंग रोड पर रोसावाला पेट्रोल पंप के करीब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन हुआ है। अवामी खिदमत के जज्बे के तहत जनाब अजीमुद्दीन एडवोकेट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है। अजीमुद्दीन एडवोकेट टीपू सुल्तान शहीद एजुकेशन ट्रस्ट और कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के प्रेसिडेंट हैं और गुलबर्गा में ये सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं। इनके बड़े फर्जंद डॉक्टर अजहर गुलबर्गा में मुस्लिम कम्युनिटी से पहले MD नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और ये पिछले 5 सालों से ESI हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और डॉक्टर अजहर के साथ उनके भाई डॉक्टर शफी ENT सर्जन एशियन हॉस्पिटल में अपनी खिदमत फराहम करेंगे। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अजहर की वाइफ डॉक्टर सारा सिद्दीकी MD पैथोलॉजिस्ट के तौर पर और डॉक्टर शफी की वाइफ डॉक्टर सरवत फातिमा ENT स्पेशलिस्ट के तौर पर इस हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। एशियन हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के मौके पर कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, गुलबर्गा MP डॉक्टर राधाकृष्ण डोडेमणि, गुलबर्गा साउथ MLA आलम प्रभु पाटिल, MLC चंद्रशेखर पाटिल, MLC तिप्पन्ना कमकनूर, कुड़ा चेयरमैन मजार आलम खान, बाबा नजर मोहम्मद खान, इलियास सेठ बागबान, स्टेशन बाजार सर्कल इंस्पेक्टर शकील अंगड़ी, अहमदुल इस्लाम और वाहिद अली फातेह खानी के अलावा शहर के कई दीगर सियासी गैर सियासी लीडर्स यहाँ मौजूद थे और इसके अलावा शहर के दानिश्वर हजरात के साथ मशहूर डॉक्टर्स ने भी एशियन हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में शिरकत कर प्रोग्राम को कामयाब किया है। एशियन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट ट्रोमा में हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी और मल्टीपल फ्रैक्चर का इलाज किया जाता है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर और मुख्तलिफ इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि अस्थमा, निमोनिया, BP, शुगर, लकवा, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और दूसरी बीमारियों का एक्सपर्ट डॉक्टर्स के जरिए इलाज किया जाएगा। और जहां तक किडनी के रिलेटेड बीमारियों की बात है, डॉक्टर अजहर ने गुलबर्गा शहर में कई किडनी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और तमाम पेशेंट भी इनके खिदमत से काफी खुश हैं। डॉक्टर अजहर ने एशियन हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के मौके पर मीडिया से बात कर कहा, यहां गुलबर्गा शहर की आवाम को और खासकर मुस्तहिक लोगों को कम से कम कीमत में बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इनॉग्रेशन में मौजूद सभी मेहमानों ने अजीमुद्दीन साहब और पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करते हुए गुलबर्गा शहर और दीगर आसपास के इलाके की आवाम से गुजारिश कर कहा, एशियन हॉस्पिटल में काफी कम कीमत में तमाम बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। आपको जब कभी इलाज की जरूरत महसूस हो तो आप एशियन हॉस्पिटल को विजिट कर सकते हैं। एशियन हॉस्पिटल को इंजीनियर आमिर और उनकी टीम AR कंस्ट्रक्शन ने डिजाइन किया है। तमाम मेहमानों ने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी पसंद किया है। एशियन हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहेंगी और मेजर ऑपरेशंस के लिए तमाम मॉडर्न सहूलियात यहां दस्तियाब की जा रही हैं। इस हॉस्पिटल में 24/7 डायलिसिस सर्विस अवेलेबल है और यहां 25 बेड वाले 3 ICU सेक्शन, 2 ऑपरेशन थिएटर और 24/7 OPD सर्विस भी अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर अजहर और डॉक्टर शफी ने मीडिया से बात कर इस हॉस्पिटल से जुड़ी तमाम डिटेल बताई है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज गुलबर्गा शहर में एशियन हॉस्पिटल डॉक्टर अजहर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे हमने इनॉग्रेशन किया है। ये बड़ी खुशी की बात है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये हमारे गुलबर्गा में किडनी केयर के लिए और एक हॉस्पिटल आपकी खिदमत में है और डॉक्टर अजहर जो सुपर स्पेशलिस्ट है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये हॉस्पिटल कायम किए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और गुलबर्गा शहर के लोग इसका लुफ्त उठा सकते हैं। और इसमें कोई खुशी की बात यह है कि उन्होंने रेट लिस्ट डिस्प्ले किए हैं और यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो ट्रीटमेंट देने का उनका जो कमिटमेंट है, मैं उसका मुबारकबाद देता हूँ। दिस हॉस्पिटल फॉर द सर्विस ऑफ गुलबर्गा पीपल, वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड वी होप पीपल विल टेक यूटिलाइज द वेली गुड हॉस्पिटल हियर इन गुलबर्गा। एशियन हॉस्पिटल आज ओपनिंग हो रहे है, इसका वारसदार हमारा अजीमुद्दीन साहब एडवोकेट है। ये आगे SC ST बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी लोगों को ये वरदान होने दो। ये आस्पत्रे गरीबों के लिए कभी भी कितना समय में भी रात भर 24 आवर्स में कभी भी आए तो भी वो लोगों को अच्छा चिकित्सा मिलने दो, गरीबों का अच्छा होने दो और कम कीमत में कम फीस में गरीबों का, बैकवर्ड लोगों का, माइनॉरिटी लोगों का सुरक्षा हो दो। कोई भी यहाँ आए तो आते ही अच्छा हो के गाजे भंजन के आशीर्वाद से सबको अच्छा होने दो, मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। अब जो हमारा एशियन हॉस्पिटल जो हमारे का बेटा, दोनों डॉक्टर्स हैं, एक किडनी स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है, दोनों अच्छा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ICU में भी 10-15 बेड है, डायलिसिस भी 5 डायलिसिस है, ये हैं, बहुत अच्छा स्पेशल में हॉस्पिटल बना है, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, पूरा परिणित है, न्यूरोलॉजिस्ट में भी परिणित है और डायलिसिस में भी है, सर्जन भी है,
इसका उपयोग हमारे लोग लेना, नहीं तो पहले से हैदराबाद जाना, सोलापुर जाना बंद करना। जो बाहर मिलता सब फैसिलिटीज इधर इसमें मिलता है। इधर जरूरत है, अब मैं हॉस्पिटल का उपयोग लेना बोल के मैं सब तमाम लोगों के रिक्वेस्ट करता हूँ। एडवोकेट अजीम साहब को मैं दिल की गहरा मुबारकबाद देता हूँ और उनके दोनों साहिबजान को भी मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासतौर पे उनकी जो एआर कंस्ट्रक्शन, हमारे आमिर भाई कंस्ट्रक्शन में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनका क्वालिटी काम है। मैं खुद भी नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट उनको देने वाला हूँ। ये बिल्डिंग पूरा उन्होंने ही बनाए हुए हैं और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासतौर पर ये हॉस्पिटल में अल्लाह सब जो भी आने वालों को शिफा दे और डॉक्टरों के हाथ में शिफा दे, हॉस्पिटल में जो भी आए शिफा आप होके जाए। एशियन हॉस्पिटल गुलबर्गा जो आज ओपनिंग हो रहा है, उन सब डॉक्टर्स को और ओनर उनको मैं पहले मुबारक कहते हुए, आज बहुत खुशी है कि गुलबर्गा में और एक नया हॉस्पिटल, ये आम लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए ये ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको मेरा तरफ से और गुलबर्गा पब्लिक की तरफ से उनको मैं मुबारक कहते हुए, अच्छा हॉस्पिटल सब जो आए पेशेंट को अच्छे तरह देख के उनको सब अच्छा सर्विस देना बोलकर उन सबको मैं मुबारक कहते हुए। एशियन हॉस्पिटल की आज ओपनिंग के मौके पर जनाब अजीमुद्दीन साहब की दावत पे हम आए थे और डॉक्टर आसिफ साहब और डॉक्टर अजहर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और इस रोड के ऊपर एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे आया है और काफ़ी कोशादा मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन हुआ है देखने में आया, जो हमारे एआर कंस्ट्रक्शंस के तरफ से काम हुआ है। तो रिंग रोड के ऊपर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और के इतने हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल, और दोनों जो है डॉक्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस जो कर रहे थे, अब उनका खुद का एक हॉस्पिटल आने से और मजीद दूसरे भी फैकल्टीज ये अवेलेबल है देखकर मतलब खुशी हुई। और जो है मैं और एक बार अजीम साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारक देता हूँ। मैं डॉक्टर हकीम यासर अरफात BMS MD हूँ। आज मैं तमिलनाडु से सिर्फ एशियन हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए आया हूँ। आज के दौर की वजह के हिसाब से जो एशियन हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ पर हर किस्म के अलग अलग डिपार्टमेंट मौजूद हैं, जो आज सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है क्रॉनिक रेनल डिसीज़। क्रॉनिक रेनल डिसीज़ में जब कम्प्लीटली स्टेज 5 किडनी फेल हो जाता है तो पेशेंट को कंपलसरी डायलिसिस करना पड़ता है, तो वो डायलिसिस सेंटर भी इस एशियन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, जो कि बहुत कम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होती हैं। तो मैं सारे जो डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, खासकर जो डॉक्टर अजहर हैं, डॉक्टर टीपो हैं, डॉक्टर सारे लोग जो अजीमुद्दीन साहब हैं, सब लोगों जो है मुबारकबाद देता हूँ इस हॉस्पिटल की। और मैं दुआ करता हूँ कि इस हॉस्पिटल से पूरी कौम के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। गुलबर्गे के लिए बहुत बड़ा एक अजीम माइलस्टोन है, इंशाल्लाह यहाँ पर एक वाजबी रेट में एक बेहतरीन हमदर्दी के साथ और लोगों की खिदमत खल की नीयत से कायम किया गया इदारा है। अल्लाह ताला इस पर कायम व दायम रखे। स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर मोहिदुद्दीन अजहर एंड डॉक्टर शफीउद्दीन and also management team Mr. Zahiruddin, congratulations one and all. Aaj Asian multi speciality hospital start hua hai aur mere bahut close friend Azhar sahab ka ye hospital hai jo nephrologist hain aur bahut young age mein bahut acha hospital banaye hain aur jiska clinical acumen bhi bahut acha hai। नेफ्रोलॉजी में अपना एक खुद का नाम बनाए हैं और डॉक्टर शफी भी हैं ENT सर्जन जो काफ़ी काबिल हैं, एडवांस लेटेस्ट मॉडलिटीज़ ऑफ ENT केयर के साथ वेल ट्रेंड हैं। दोनों के साथ मेरे पर्सनल एसोसिएशंस हैं, मेरे हॉस्पिटल भी बहुत बार मैं इनको बुलाने का मौका हुआ पेशेंट्स देखने के लिए, और जनरली पेशेंट्स भी बहुत इनके ट्रीटमेंट से खुश हैं। जहाँ तक इनकी काबिलियत की बात है, I have no doubts they will definitely perform well. सिर्फ गुलबर्गा के दायरे में नहीं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये लोग हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। Once again, congratulations. आज एशियन मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपनिंग भी है, हमारे ग्रुप के जानिब से जो है ना अजीमुद्दीन साहब एडवोकेट को जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ, और डॉक्टर अजहर मोहित साहब को, डॉक्टर शफीउद्दीन साहब को और हमारे जनाब टीपू साहब को, जहीरुद्दीन साहब को
मल्टी फ्लोर हॉस्पिटल है, स्पेशियस हॉस्पिटल है, कमर्शियल हॉस्पिटल नहीं है, लोगों की खिदमत के लिए खोला गया है। रिंग रोड पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, अजीमुद्दीन साहब और उनके फर्जंद अजहर साहब और उनकी टीम मिलके जो है ना एशियन हॉस्पिटल बोल के तकरीबन बहुत ये एरिया में बहुत ये हॉस्पिटल की जरूरत थी। ये हॉस्पिटल में तकरीबन पूरे फैसिलिटीज है, यहाँ के लोगों को बहुत ये फायदेमंद रहेगा। मेरे को तहे दिल से आजमुद्दीन साहब और उनके बच्चों को मुबारक मेरी तरफ से है और ये दुआ करता हूँ कि हॉस्पिटल और बड़े और जो है ना इससे जो है ना उन लोगों को फायदा हो। ये रीजन में ऑलमोस्ट सोमनाबाद सर्कल से खरगे सर्कल के बीच में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल बोल के कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी ओपनिंग के इसके ऊपर मैं डॉक्टर अजहर नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर शफी ईएनटी स्पेशलिस्ट को मुबारकबाद देता हूँ। जो भी सर्विसेज हैं ट्रॉमा रिलेटेड, हेड इंजरी लेने दीजिए, स्पाइन सर्जरी इंजरी लेने दीजिए, जो भी क्रिटिकल केसेस हैं जो कि आईसीयू बैकअप होना है, आईसीयू ट्रीटमेंट होना है, हर रिलेटेड फील्ड हर रिलेटेड चीज़ों से यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अजहर को और डॉक्टर शफी को मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छे से सर्विसेज देंगे और हम भी उनके साथ साथ में मिलके अच्छी सर्विस गुलबर्गा के पब्लिक को और आसपास के जो भी पेशेंट्स हैं उनको बेस्ट पॉसिबल सर्विस देने का प्लान करेंगे। ये जो आज एशियन हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ है गुलबर्गे में, इसका कंस्ट्रक्शन एआर कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हुआ है जो कि मेरी ही कंपनी है। और इस मुबारक मौके पर मैं जनाब अजीमुद्दीन एडवोकेट साहब को मुबारकबाद देता हूं और उनके फर्जंद जनाब डॉक्टर अजहर मोईद और डॉक्टर शफी ईएनटी और मोहम्मद जहीरुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूं। मिल्लत नगर और आसपास के दिगर इलाकों में ऐसे हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर कम रेट और रीज़नेबल रेट में यहां पर इलाज किया जाएगा। आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, यहाँ पर विजिट करके आप जो है ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज उसकी शुरुआत हुई है और आज ये जो है खसूसी मेहमानों के तौर पे डॉक्टर जनाब राधाकृष्णन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा और चरण प्रकाश पाटिल साहब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और साथ साथ हमारे आलम प्रभु साहब MLA साउथ और मजहर आलम खान साहब फोड़ा चेयरमैन और साथ ही साथ इलियास बागवान प्रेसिडेंट बागवान कम्युनिटी और साथ ही साथ हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर तिप्पन्ना कमकनूर साहब MLC जो हैं और खसूसी तौर पे तमिलनाडु से भी जो है हमारे डॉक्टर यासिर अरफात दवाखाने के ओपनिंग में जो है हाजिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मौजूद हजरात भी जो है ना तशरीफ लाए, इसमें वाहिद अली फातेह खान साहब और अहमद इस्लाम साहब खसूसी तौर पे और गुलबर्गे के जो है तकरीबन डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स जो है ना हमारे दवाखाने पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह विजिट किए और यहाँ पे जो है ना अपने तासुरात ये दिए कि अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना जो है आप प्रेजेंट हालात के हिसाब से जो भी ज़रूरी पेशेंट्स के लिए उनका तकमील किया गया है और टोटल एडवांस जो है उसके इक्विपमेंट और फर्नीचर से लैस किया गया है और तमाम जो है ना मौजूद हजरात पे ना हमारी हिम्मत अफजाई की जना खसूसी तौर पे हमारे दोनों फर्जंदान डॉक्टर मोईद अजहर मोहम्मद शफीउद्दीन और हमारे छोटे फर्जंद मोहम्मद जहीरुद्दीन MBA ये तीनों जो है ना मुसलसिल कोशिशें कावशें तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा इस दवाखाने की तामीर में लगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब दिन आया कि इसका अफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से भी दुआ गोएंगे अल्लाह ताला इस हॉस्पिटल के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से लोग शिफा हासिल करते हैं। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मैं डॉक्टर शफीउद्दीन मज़हर ENT सर्जन एशियन हॉस्पिटल की आज ओपनिंग हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एशियन हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ENT के अलावा नेफ्रोलॉजी है जो किडनी स्पेशलिटी हमारे भाई हैं और ऑर्थोपेडिक्स ट्रॉमा क्रिटिकल केयर जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स चेस्ट फिजिशियन जो लंग्स के स्पेशलिस्ट हैं और जो है कार्डियोलॉजी हार्ट के स्पेशलिटी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो पेट और मेदे की प्रॉब्लम्स का देखते हैं
और जो है ना उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी में तो तमाम सर्विसेज हैं, जैसे कि कैंसर का प्रॉब्लम कुछ किसी को हो गया है, सर्जरी की जरूरत है, जनरल सर्जरी भी है यहाँ पर, जैसे कि हर्निया है, अपेंडिक्स है, हाइड्रोसील है, पत्थर का प्रॉब्लम है, किडनी में दर्द है, तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह इलाज होगा। मैं तमाम गेस्ट का जो आज यहाँ पर आए थे, शरण प्रकाश पाटिल सर, राधा कृष्णा सर, और जो है ना राजशेखर पाटिल सर, दीपन्ना सर, चंदू पाटिल सर, अभिषेक पाटिल सर, बाबा खान साहब, इलियास बागवान साहब, मजहर आलम खान साहब और वाहिद फातिह खानी साहब, और तमाम डॉक्टर्स, डॉक्टर बस्तापुर सर, ईएनटी सर्जन डॉक्टर हौसुद्दीन आरिफ सर, गुलबर्गा के तमाम डॉक्टर्स जो भी आए आज हमारे लिए, बहुत बासे मसरत और खुशी की बात थी। तो उसके लिए मैं तहे दिल से इन तमाम लोगों का, जो बसो कल्याण से लोग आए थे, जो चिंचोली से आए थे, और जो है ना शाहपुर से जो लोग आए थे, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस टीम में आए और हमारा हिम्मत और हौसला अफजाई की। हमारी ये कोशिश रहेगी एशियन हॉस्पिटल के ज़रिए कि जो भी यहाँ पर बीमार आए उनको कम से कम जो खर्च होता है उसमें बेहतर से बेहतर इलाज कर लेके यहाँ से जाए। इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर आइए और हमारे सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए, और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे हॉस्पिटल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को शिफा अता फरमाए। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आज हमने इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिंग रोड पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, हर चाहे बीमारी जो है खांसी बुखार हो या आपको जो है कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो या किसी भी तरीके की बीमारी हो, हर बीमारी का इलाज मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर अजहर मोहित है, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है गुलबर्गा से हुआ है, उसके बाद मैंने MBBS रायचूर से किया है, MD जनरल मेडिसिन मैंने KMC मणिपाल से किया है, उसके बाद मैंने DM नेफ्रोलॉजी में किया है, यानी सुपर स्पेशलिटी जो है मेरा गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद से हुआ है। उसके बाद मैंने लास्ट 3 साल से ESI हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दे रहा था। अभी रिसेंटली हमने ये हॉस्पिटल का प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको इनॉग्रेशन कर पाए। इस हॉस्पिटल की खासियत ये क्या है कि ये हॉस्पिटल जो है बेसिकली 24/7 एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसा कि ये मेन रोड पे है, इंशाल्लाह यहाँ पे आपको एक्सीडेंट रिलेटेड, ट्रॉमा रिलेटेड या क्रिटिकल केयर केसेस जो भी हो उसके लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ख़ासकर जैसे फ्रैक्चर हो या न्यूरो सर्जरी हो या आपको जो है गैस्ट्रो सर्जरी हो या आपको जो है सुपर स्पेशलिटी रिलेटेड सर्विसेज हो, जैसे रीनल फेलियर हो, हार्ट फेलियर हो या आपको किसी भी बीमारी का प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह आप यहाँ पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह आपको पूरे सर्विसेज दे सकेंगे। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि जैसा कि मैं किडनी डॉक्टर हूँ, यहाँ पे हमने एक डायलिसिस सेंटर भी कायम किया है ताकि जो लोग डायलिसिस के लिए परेशान फिर रहे हैं उनको यहाँ पे इंशाल्लाह 24/7 डायलिसिस सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे और चार्जेस बहुत अफोर्डेबल रहेंगे। और हमारे पास यहाँ पे 2 OT हैं जो एक इंशाल्लाह एक साथ 2 सर्जरीज भी हम कर पाएंगे, और 3 ICU सेटअप है हमारे पास जो अराउंड 25 बेड ICU सेटअप कंसिडर कर सकते हैं आप। तो मैं इसी रिलेटेड और एक चीज़ हमने इस हॉस्पिटल को बनाते वक्त एक चीज़ को हमने ज़्यादातर ध्यान दिया है, वो है पेशेंट रिलेटेड सर्विसेस। ये हॉस्पिटल को हम जो है बिगेस्ट हॉस्पिटल या हमारा जो है टॉप हॉस्पिटल बनाने की ख्वाहिश नहीं है, हमारी ख्वाहिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट यहाँ से फायदेमंद हो, लार्ज पॉपुलेशन को हम फ़ायदा पहुंचा सकें और सर्विसेज दे सकें। तो इसके लिए हमने अफोर्डेबल चार्जेस रखा है और आपके लिए हम सर्विसेज के लिए हर सर्विसेज आपको अवेलेबल रहेंगी। और तीसरी चीज़ क्या है, आपको फुल टाइम सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहेंगे। और आखिर में मैं मेरे वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी कोशिशों की वजह से, उनकी मेहनतों की वजह से आज हम इस मुकाम को पहुँचे हैं और वो गुलबर्गा की आवाम को सर्विस देने के लिए इस हॉस्पिटल को कायम कर पाए हैं। और मैं मेरे तमाम मेहमानों का, खासकर हमारे आज के चीफ गेस्ट
राधा कृष्णा दुड्डामणि साहब और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब जो मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, अल्लम प्रभु पाटिल साहब जो MLA हैं साउथ रीजन के, और मजहर आलम खान साहब, बाबा खान साहब और इलियास बागवान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और हमारे इस फंक्शन को कामयाब किया। और मैं तमाम गेस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे इस खुशी में शामिल हुए और हमें इसकी दुआओं से नवाजा। मैं आप लोगों से लास्ट में दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी सर्विसेज को यूटिलाइज करिए और हमें भी खिदमत करने का मौका दीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा।